सबसे पहले बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां पर लोकसभा चुनावों को लेकर मतदान जारी है। अभी तक संभल लोकसभा में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सर सुबह जी, सर मतगणना ये क्या क्या सामने मामला आया है और कितने सर? संभल में 1642 जो हमारे बूथ हैं वहाँ पे सुचारू रूप से मतदान शुरू हो गया है। सभी जगह पुलिस डिप्लॉय है प्रॉपर तरीके से, सीआई के गाइडलाइन के अनुसार सीपीएम लगी है, पीएसी लगी है, पैरामिलिट्री लगी है, हमारे लोकल पुलिस लगी है, सिविल पुलिस लगी है, महिला पुलिसकर्मी लगे हैं और जो हमारा थाना क्षेत्र है वहाँ पर थाना क्यूआरटी लगी है, थाना मोबाइल लगी है, एक्स्ट्रा क्यूआरटी लगी हुई है सभी जगह में बूथ के और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से पुलिस व्यवस्था की गई है, जिससे किसी को भी किसी तरीके की तकलीफ ना हो। बढ़ चढ़ कर लोग मतदान करें, अच्छे से अच्छा मतदान करें और लोग बूथ तक आएँ, अधिक से अधिक मतदान करें। कोई भी किसी तरीके की न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति किसी भी मतदाता को प्रभावित करने का प्रयास करता है, वो ऐसा कार्रवाई करने की भी इच्छा करता है, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सभी को ये निर्देश है कि किसी भी तरीके से किसी भी मतदाता को प्रभावित न किया जाए, धन बल बाहुबल या किसी भी आधार पर किसी को प्रभावित न किया जाए। ये आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा और अधिक से अधिक मतदान करें, जागरूक मतदाता सभी लोग बूथ तक आएँ और अपनी वोटिंग करें, इसके लिए मैं सभी से अपील करता हूँ। और ये भी चाहता हूँ कि जितना क्षेत्र है हमारा वो शांतिपूर्ण रहे, शांतिपूर्ण मतदान जारी रहे, शाम तक हम अच्छा प्रतिशत में मतदान चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम अच्छे प्रतिशत में मतदान। कितने प्रतिशत अभी काउंट हो रहा है 2 घंटे के रिकॉर्ड के अनुसार, अभी आपको अपडेट कर दिया जाएगा लगातार इसकी अपडेशन। सर कुछ क्या नाम आपका? नैन सिंह। कहाँ रहते हैं? छचरा में रहते हैं। इससे आप पहली बार वोट डाले, आपको कैसा लग रहा है? अभी तक तो अच्छा लग रहा है, आगे की पता नहीं। क्या आपने सोच किया ऐसे वोट डालने आए आप? वोट डालना ही चाहिए सब, या सबका हक है जी? सबका हक है वोट डालने का, सबको ही डालना चाहिए। डाल रहे हैं अभी तक तो अच्छा लग रहा है।